दोस्तों यहाँ दादी के पास में किसी भी तरह का टूथब्रश होल्डर नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ दादी एक बड़ी सी लौकी को काट कर उस पर अपने टूथब्रश रखती है। और दोस्तों उसी समय हमारे भैया उन दादी को ऐसी परिस्थिति में देखकर लकड़ी की मदद से कुछ ऐसी चीज बनाने लग जाते हैं जिसको देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों पहले तो भैया एक बेबू के ऊपर निशान लगाकर उसे काटने लग जाते हैं। और दोस्तों जब तक हमारे भैया उन दादी के लिए एक टूथब्रश होल्डर बना के तैयार कर रहे हैं, जब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे भी दोस्तों आप में से ज्यादा लोग कसम देने वाले को ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब देते हो, हम जैसे लोगों को नहीं। दोस्तों अगर आप लोग को भी कसम देने वाले लोग पसंद नहीं है तो वीडियो को कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आप लोग से बात करते करते हमारे भैया ने लगभग उस टूथब्रश होल्डर को बना के तैयार कर लिया है। और दोस्तों इस टूथब्रश होल्डर की फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद इसे आप देख सकते हो कितना शानदार दिख रहा है। और तो और दोस्तों अब ढेर सारे टूथब्रश को रखने में अब दादी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनके पास में एक टूथब्रश होल्डर आ गया है।